खंजर कितने मर गया पे? गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल। सुबह सुबह एक तो ठंड, ऊपर से -1 degree टेम्परेचर। So today we are staying in this beautiful property जहाँ पर आपने कल लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा that from another shabby hotel we switched to this hotel क्योंकि वो बिल्कुल भी worth नहीं था रुकने लायक, पर इसका जो view है that is the main point। So we all had quite an amazing night क्योंकि यहाँ पर कल हम आए थे। अगर आप मेरे travel की जो ये वाली specific series है इसको follow नहीं कर रहे हो, last video देखो। last video के अंदर हमने Jim Corbett से जाकर शुरू किया था। first day हमने Jim Corbett के आसपास explore किया था, उसके अंदर खूब सारी मस्ती है, fun है। local attraction Jim Corbett के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है जितना नैनीताल के अंदर। view है, sightseeing है and यहाँ के ताल्स वगैरह, ताल्स मतलब यहाँ के जो lakes वगैरह हैं। वैसे भी टेम्परेचर 1 degree है, 1 degree के अंदर हम व्लॉग कर रहे हैं आप सबके लिए। तो फिर अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो ये वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ईच वन ऑफ यू। एंड फ्रॉम लास्ट व्लॉग आई ऑल्सो टोल्ड दैट आई विल बी गिविंग अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ माई न्यू बैकपैक। तो आप में से काफ़ी लोगों ने क्वेरी डाली थी दैट येस वॉन्ट टू नो अबाउट दिस एंड सी इट्स यूनिक डिज़ाइन ऑल्सो। ये देखो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव मेड सो फार इन लगेज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरा GoPro, DSLR, एक्सेसरीज, GoPro का एक्सेसरीज बॉक्स, लैपटॉप, मतलब आप जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सोच सकते हो ना कि हमें एक वीडियो बनाने के अंदर क्या काम आता है। एंड लुक एट इट्स स्पेस कैपेसिटी, को आप कहीं भी ले जा सकते हो, किसी भी जगह ले जा सकते हो। यू कैन यूज़ इट इन ऑफिस, स्कूल्स एंड एवरीथिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मुझे इसकी क्वालिटी पसंद आई है इस प्राइस सेगमेंट में। सो यू कैन सी यहाँ पे ये एक अलग अटैचमेंट है इस बैग की, विच इज़ ऑल्सो यूज टू कैरी क्विक एक्सेस के लिए, अटैचेस टू द बैग, मतलब आप इसको बैग को यहाँ से उठाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज सो ईजी एंड सो पावरफुल एंड दिस इज इट, ये आराम से ऐसे खींच के निकल जाते हैं। मास्क, चश्मे, खुले पैसे, ऑल द चेंजेस केप्ट ओवर हियर। सो उस छोटे वाले पाउच में तो हमारी यूटिलिटीज आ जाती है जो हमारी डेली यूज़ की होती हैं, पर इन दिस बैग इज स्पेस सेवर एक्चुअली। जैसे काफ़ी सारे बैग्स मैं यूज़ करता हूँ, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे कि मैंने गॉड्स का बैग यूज़ किया था, उसके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है लेकिन स्पेस मैनेजमेंट नहीं है। उसके अंदर अपार्टमेंट्स खाली रखे हैं, इसके अंदर जो स्पेस मैनेजमेंट है, इसकी जो पॉकेट है, इसके जो शेल्व्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। दिस बैग इज़ फ्रॉम गीक मॉन्स्टर, आई विल प्रोवाइड यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन बाय दैट बैग फ्रॉम देयर। सो यहाँ का बटन बंद कर देते हैं। दिस बैग इज वाटर रेजिस्टेंट, यस, रेन, बारिश, स्प्लैश इन सबसे, क्योंकि इसके अंदर लाइनर वगैरह सब अंदर लगे हुए हैं। क्वालिटी ऑफ द जिप एंड द लेदर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, मेरे को स्टिचिंग का भी कोई ऐसी दिक्कत लगी नहीं है। एंड द कम्फर्ट इज ओ माई गॉड, यू कांट जस्ट नोट, इसके अंदर आप सामान डाल दोगे। सो द शोल्डर स्ट्रैप्स जस्ट डिवाइड द वेट इक्वली ऑन टू योर शोल्डर्स, जिप्स आर वेरी स्मूथ। And this was all about the review for this bag and big thumbs up to Geek Monster for making this bag in this great price point. I mean 1200-1300 के अंदर आपका ये बैग आ जाता है एंड आई गारंटी यू दैट दिस थिंग विल लास्ट लॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डिटोरिएट हो, जो टाइम के साथ अच्छा है। दिस विल स्टे विद यू एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। सो वी ऑल आर रेडी टू लीव, अभी हमने प्लान ये बनाया कि दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर नैनीताल फ्रॉम आर होटल का। ये जो आप ऑल्टो देख रहे हो, ऑल्टो हमने मंगा लिया एंड हियर इज़ द ड्राइवर ऑफ द होटल, सेम होटल के ड्राइवर हैं एंड ही विल टेक अस टू ऑल द मेन लोकेशन, सारी अच्छी जगह घुमाएंगे। एंड सो अभी ये जितने हमारे स्पीकर वगैरह वो हम लगा देते हैं चार्ज पे। एंड ओ हो, ठंड ठंड देखो, ठंड कितनी ज़्यादा हो चुकी है। आई थिंक दिस वन इज़ द कैब, इसके अंदर आ जाएंगे सारों, कोजी एंड ईजी राइड हो जाएगी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर वो 12 वोल्ट वाला सॉकेट है क्योंकि इसके अंदर GoPro वगैरह चार्ज पर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं, अनुराग ऊपर से आ रहा है जितने भी नेसेसरी सामान। इसका व्यू ज़्यादा अच्छा है। हाँ, व्यू नहीं है, व्यू नहीं था, पर रूम बड़ा था। प्राइस उस होटल से हाफ है, हाफ है। उस हिसाब से सही है, थोड़ा सा दूर है, अलग है माल रोड से, माल रोड से अलग है, लेकिन इतना प्राइस चलता है 1500 पर नाइट। सही है, कोजी सीट लगाइए, इतने छोटे गाड़ियों की तरह टाइम बाद बैठेंगे ना। Now we are going towards all the main localities and all the main places in Nainital. So बैठते हैं, here's the cab. वो दोनों पीछे बैठेंगे क्योंकि मैंने बोला मेरे को थोड़ा सा आगे बैठने दो।
finna whip a Mercedes. Bet I be driving you crazy. Got that shit out of the gutter. Did it for me and my brothers. Loving the way that you hate me. Baby, it's feeling amazing. Feeling amazing. But I got pain. I got pain, 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 pain. So you gon' pay. Look at the way, 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 way you done made me. Telling me stay, 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 stay. Bitch, stay away. Or you gon' pay, 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 pay. Bitch, you gon' pay me. So behind me is the Himalaya peak. नैनीताल के अंदर फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर. एंड यहाँ पर आते हैं आप कैब से आ सकते हो. ऑल द मैगी पॉइंट्स, टी पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें पड़ती हैं. बट ये यहाँ पर थोड़ा पीसफुल आपको लगेगा नहीं, पर द व्यू विल मेक इट वर्थ. एंड ग्रीन प्लेटोज के बाद वहाँ माउंटेन शुरू हो जाते हैं. एंड सबसे बड़ी बात की जो सामने है, पीक पर दिख रही है अच्छी सी बर्फ. उसके पीछे चाइना बॉर्डर है. चाइना बॉर्डर है ये है कि लोकेशन कहाँ पे जो पहाड़ दिख रहे हैं हमें? ये वो सियाचिन नहीं, पक्का सियाचिन है. जाएंगे तो यहाँ से नीचे खाई और उसके ऊपर खड़े होने की कोशिश भी मत करना, पैर फिसला तो तुम नीचे. सो वी आर हैविंग मैगी एंड So everyone here is having their food, मैगी, पास्ता. यहाँ टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, टेलीस्कोप नहीं इसको कह सकते, थोड़ी दूरबीन जैसे लगे हुए हैं वो लगे हुए. यू कैन हैव अ लुक टू द हिमालयाज. हम नहीं देख रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं ऐसे अच्छे ज़्यादा पहाड़. एंड मैगी ले लेंगे, सूप ले लेंगे, साथ में पेप्सी वगैरह. भाई डर लग रहा है यार पीछे साइड में. सो वी आर हैविंग मैगी एंड खाने के बाद फिर हम चलेंगे. चलते हैं ना, चलेंगे, खाते हैं एंड फिर मिलते हैं. अच्छे लगते हैं, फ्री का नहीं है वो. अरे तू पहन के अच्छा लगेगा. चल चल, मैगी बढ़िया थी अपनी. कौन सी जगह है? दिस इज हिमालय व्यू पॉइंट. यहाँ आओ तो मैगी जरूर खाना. मैगी बढ़िया थी, गाढ़ी गाढ़ी एंड थोड़ी थिक थी, अच्छी लगी. ज्यादा पानी पानी भी. थिक इज ऑलवेज गुड. With no talking, I know you always want something. Try to flee on me, you bugging. Back then we had nothing, but I told everybody it's coming. Now the 604 be jumping, and it's fuck you, bitch, for running. 'Cause I took a L and I swear that I lost it. Bitch, get rocks, little hoe, you toxic. Can't fold, I ain't got no options. Big rats gon' fill in my pockets. Left me like, where did you go? The things that I never know. सुंदर लग रहा है यार. एक लग रहा है ऐसा रिजर्वॉयर, एक छोटा सा, मतलब ऐसे बस डाल दिया पानी. हिस्ट्री तो बता लो इसकी. दाइज हम वहाँ पे पहले थे, अब हम यहाँ आ गए. दिस इज द फ्यूचर मैन. रोहिणी मैम वुड बी सो प्राउड ऑफ अस. ये भी कोई ऐसी कोई स्पेशल लोकेशन नहीं है कि साइट सीइंग के लिए कहीं स्पेशल आया जाए. ये भी ऑन द वे पड़ती है, बट दिस व्यू इज वर्थ टेकिंग. सो जब भी आप नैनीताल आए हो तो दिस व्यू इज मस्ट. या तो ये राजमा लग रहा है, क्योंकि मुझे खाना ज़्यादा पसंद है तो मुझे राजमा लग रहा होगा. मैंगो ही लग रहा है हम दोनों को तो. डुओ पॉड, पीवी के डुओ पॉड. अरे वो सैमसंग के बीन्स वाले आए थे ना, हाँ ट्राइंग, वो वैसे ही लग रहा. चलो सेकेंड प्लेस इज डाउन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लोकेशन. कौन सी जगह है अब? तीसरी सुसाइड पॉइंट. सुसाइड पॉइंट जा रहे हैं अब हम. चल रहे हैं सुसाइड पॉइंट. चल रहे हैं, चल रहे हैं. क्या करेगा वहाँ जाके? सुसु इन द साइड. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. वेयर, कौन सी जगह है? टाउन सुसाइड पॉइंट. टाउन टाउन पे लोग मैगी. यार आई गुड पॉइंट. तो मास्क थोड़ा नेसेसरी है क्योंकि आसपास काफी सारे ह्यूमन एलिमेंट्स हैं. ह्यूमन एलिमेंट्स. सो हम प्यार के दरबार में घुस चुके हैं और एक आशिक अपने प्यार के लिए जान भी देता है, तो उसके लिए एक पॉइंट होना जरूरी है, व्हिच इज लवर्स पॉइंट. आशिक जान देता भी है, जान लेता भी है. ओ भैया गुलजार साहब हो गए. इनेस पॉइंट को सुसाइड पॉइंट बोलते हुए शर्म नहीं आई? मेरा तो है लेकिन सिर्फ कूड़ा ही पड़ा हुआ है यहाँ पे. तो बस यहाँ से नीचे आ रहे हैं, कुछ पत्थरों के बीच में ग्रिल लगी है एंड यहाँ पर हो जाता है ये पॉइंट खत्म.
मेरे ख्याल से क्योंकि इसको कहते हैं लवर्स पॉइंट या फिर सुसाइड पॉइंट, क्योंकि इश्क के लिए एक आशिक जान भी देता है और जान लेता भी है। ये कहीं से उठाया हुआ है, बहुत बेकार होगा। आई नो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो एक एक करके आपको हर जगह ले जा रहा हूँ नैनीताल की। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए आइटनरी बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती है। सो लेट्स गो नाउ टू द नेक्स्ट लोकेशन। ये जिप लाइन की तार नहीं है, किसी की तार नहीं है, दीज आर नॉर्मल पावर केबल। सो दिस इज द व्यू, दिस इज जस्ट फॉर व्यू। पता नहीं क्यों इसको ऐसा लवर पॉइंट बोला, मैं तो कभी खड़ा भी ना हूँ किसी के साथ यहाँ पे, क्योंकि इससे अच्छा व्यू आ रहा था ऊपर से यार, उसको लवर पॉइंट घोषित कर दो। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट आ चुका है, तीन हो चुके हैं ना, फोर्थ पॉइंट है हमारा। कौन सा पॉइंट है? खुरपताल लेक व्यू सर। लेक व्यू, लेक व्यू। तो जो खुरपताल का लेक है उसमें बोटिंग भी होती है? नहीं, वो रिजर्व्ड है। हाँ, तो कहाँ से रास्ता होगा? सामने से व्यू पॉइंट है सर आगे जाके, पूरा लेक का। अच्छा, ओके। ये जितनी भी लोकेशंस हैं सारी आसपास ही हैं एकदम? हाँ, पास पास में ऐसे पड़ रही हैं। देखते हुए एंजॉय करो। टिकट कॉस्ट अभी तो नहीं है, लेकिन so this is our fourth destination which is Khurpatal Lake and हवा चल गई, अच्छी बात है। कैमरा के ऊपर डेड कैट लगा रखी है। नाउ दिस वॉज द, मैं लिख दूंगा नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो दिस वॉज एन अमेजिंग व्यू, क्योंकि फोटोज बहुत अच्छी आई है। लास्ट टाइम देख लो क्या क्या व्यू है। आई होप आगे आगे बहुत ट्रिप्स मारो एंड आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। यहाँ तक आप घर बैठे बैठे घूम पा रहे हो, प्लीज कमेंट करके बताना यार। अब हम जाएंगे अपनी फिफ्थ लोकेशन पे, वो क्या होने वाली है? सरिता ताल। सरिता ताल जी, वो इससे बड़ा खुरपताल से? नहीं, छोटा आर्टिफिशियल लेक जैसा। यहाँ पर एक हमें ना राइट साइड में छोटा सा दिख रहा था, वो भी वही है क्या? इधर साइड। हाँ हाँ। अच्छा, उसका भी व्यू पॉइंट होगा कोई? जी। ताल दो, मेन झील हो गई, दूसरी खुरपताल, तीन सरिता ताल, चौथा फिर आपका ये भीमताल, नौकुचा ताल, सात ताल, कमल ताल। हाँ। ये अलग लेक टूर में आते हैं। अच्छा, तो इनमें से जो आसपास है हमारे लोकल में वो सारे हम घूम रहे हैं। अच्छा, नहीं तो ये इतने कितने कितने किलोमीटर दूर है करें? तो सर यहाँ से 30 किलोमीटर होगा भीमताल। भीमताल का कोई स्पेसिफिक व्यू पॉइंट है या फिर ऐसी पहाड़ पे जैसे हमने रास्ते में से दिखा रहे थे? व्यू पॉइंट है, बाकी उसके लेक के किनारे भी जा सकते हैं, एडवेंचर सारा उधर ही है। तो वहाँ पर? अच्छा अच्छा अच्छा, भीमताल पर। भीमताल और वहाँ पे बोटिंग भी है? बोटिंग भी है, पैराग्लाइडिंग है, लेक क्रॉसिंग है। I know you always want something, try to flee on me, you bugging. Back then we had nothing, but I told everybody it's coming. And the 604 we jumping, and it's fuck you bitch for running. Cause I took a L and I swear that I lost it. Biscuit rocks, little hoe, you toxic. Can't fold, I ain't got no options. Big rats gon' fill in my pockets. Left me like where did you go? I hope मैं रश नहीं कर रहा हूँ और आपको ढंग से दिखा पा रहा हूँ एक एक चीज़ जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ। इस चीज़ को मैं लेकर जाना चाहता था कि अलग लेवल तक, कि एक एक चीज़ दिखाया जाए। यहाँ आऊँ हो तो बोटिंग करूँ, वहाँ जाए तो मैगी खाऊँ। कैसे भैया, ठीक हो? और बढ़िया, हाथ हिला दो बस, बढ़िया। तो यहाँ आए तो बोटिंग करें, वहाँ जाए तो खाना खाएं, लेकिन हर जगह जाना और खाना एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है। हमें अपने लेक पर, जो मॉल रोड पर जो लेक है, वहाँ जाके करनी है हमें बोटिंग। बोटिंग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, बस वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस, ऑन द नोट कि हम हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह बात कर रहे हैं, ये चीज़ भी एक शेयर करनी ज़रूरी बनती है कि अपनी तरफ से गाइस, अगर आप यहाँ पर घूमने आते हो, कुछ भी करने आते हो, तो यहाँ पर कूड़ा मत फेंका करो, क्योंकि इतना सुंदर लेक है यहाँ पर, ट्रांसपेरेंट लेक है। आप देखोगे सिर्फ घास दिख रही है, द ग्रास इज विजिबल इन द वाटर। सो ट्राई द बेस्ट बाई योर सेल्फ कि यहाँ पर कुछ फेंक कर मत जाओ, क्योंकि थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लो। हम भी हैं, हम भी घूमने आए हैं, हमने अपनी चीज़ें नहीं फेंकी, तो आप भी इसका थोड़ा सा ध्यान करो। साथ मिलके चलेंगे और सुंदर हो जाएंगी चीज़ें। तो ये कौन सा है? वुडलैंड वाटरफॉल। सो वी आर नाउ एट वुडलैंड वाटरफॉल, लेकिन इस वाटरफॉल में हम जा नहीं रहे हैं, क्योंकि भैया के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ जो इतना पानी, एक छोटा सा व्यू मिल रहा है।
वहाँ पे ये खुरपताल 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 व्यू पॉइंट से हम खुरपता ताल को देख रहे थे एंड उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर खुरपता ताल पे ही आ गए। तो अब यहाँ पर मनसा देवी टेम्पल है ना, पहले मंदिर वो आते हैं फिर नीचे वो लेक पे चलते, कोई बोट है ना कोई कुछ है, प्रिजर्व्ड है हमारा। माँ मनसा देवी मंदिर बंद कर रखा है ड्यू टू कोविड रीजन में ही बंद कर रखा हो। सो दिस इज द टेम्पल एंड ये एकदम रोड साइड पर है, ब्यूटिफुल एंड अ वेरी पीसफुल लोकेशन दिस इज। यहाँ आराम से बैठो एंजॉय करो एंड जब भी कोई गाड़ी आ रही हो या फिर ऐसा ट्रक आ रहा हो बावलों की तरह तो फिर थोड़ा सा साइड हो जाओ। सो अभी यहाँ से दर्शन हमने कर लिए हैं एंड यस ये वाली जो जगह थी ये थी हमारी फिफ्थ पॉइंट ऑफ द लिस्ट। सिक्स्थ कैसे? हाँ नीचे वाला फिफ्थ था, ये वाला सिक्स्थ। एक भी प्राइवेट कार तो मुझे मिली नहीं है, फिर अगर आप नैनीताल आते हो तो फिर खुरपताल लेक व्यू की तरफ जाया जा रहा है, पूरा का पूरा सीढ़ियों से एक्सपीरियंस है। चले भाई खुरपताल से याद आया कि अगर आप कभी भी उत्तराखंड आ रहे हो या फिर मॉल रोड आ रहे हो स्पेशली अकपा खाने का मैंने फास्ट फूड जो आप दिल्ली मुंबई कहीं पर भी खाते हो ना कैसा भी फास्ट फूड यहाँ आके ट्राई मत करना भाई। फास्ट फूड यहाँ आके फास्ट फूड मत ट्राई करना। और मैंने क्या किया, मैंने ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से चाप जो थी वो ले ली। देखो नॉन वेज लोगे तो नॉन वेज इज वर्थ टेकिंग क्योंकि नॉन वेज की कैटेगरीज एंड वैरायटी बहुत ज़्यादा है, पर फास्ट फूड के अंदर जैसे कुछ भी हो गया मत लेना, प्रॉपर खाना खाओ अच्छे से। मतलब प्रॉपर खाना भी मेरे ख्याल से अच्छे रेस्टोरेंट से खाओ, अच्छे रेस्टोरेंट से खाओ। जैसे हम शेरे पंजाब पर गए थे एंड ये इनका खाना परफेक्ट था एंड बाकी तो ट्राई करने के ऊपर आप सब। भाई इसको कह दो लवर्स पॉइंट, जिसको कहना चाहिए उसको तो कहते नहीं है। वहाँ गंद मचा रखा है, इतनी अच्छी जगह पर कोई पूछता भी नहीं है। चलो जी अपना खुरपताल व्यू इज़ आल्सो डन एंड ये ज़्यादा कोई बड़ी राइड नहीं थी, कोई ज़्यादा छोटे छोटे डिस्टेंस पर है, पाँच छः दो तीन किलोमीटर पर है। एंड आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी कार ना लेकर आओ क्योंकि आधी से ज़्यादा जगहों पर पार्किंग नहीं है, तो व्यू पॉइंट्स है लेकिन पार्किंग लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। तो मैंने तो अब तक देखा कि ऑलमोस्ट कोई भी प्राइवेट कार नहीं आई है, लोकल प्राइवेट कार थी, यूके की गाड़ियाँ थी, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो सारे के सारे कैब्स एंड टैक्सीज में ही आ रहे हैं। ताल टू ताल मिला वाली ट्रिप, ताल टू ताल ताल से ताली तो मिला ही है, बताओ। सो फार सो गुड बी यू क्रिएट न्यू। अब ये नहीं किया तो क्या किया, वो हमारा जितने भी ताल के टूर से वो खत्म हो गया। थैंक यू पवन भाई। ओके सर फॉर द टूर, अच्छी ड्राइव रही, थैंक यू, मिलते हैं आपसे आगे। ठीक है सर। ये रहना कि ध्यान से रहना, सो जब भी आप कैब वगैरह करें तो थोड़ा सा ये ध्यान से रखें कि अपनी चीज़ें ना क्रॉस वेरीफाई कर लें होटल से कि क्या वो ऑफर कर रहे हैं एंड क्या आपको मिल रहा है, नहीं तो आप लोकल टैक्सी आकर भी ले सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा कुछ माल रोड से पता करें, मॉल रोड पे आए ना अपनी टैक्सी और अपनी चीज़ों का पता कर लें कि क्या रेट टैक्सी का चल रहा है माल रोड पर एंड क्या रेट चल रहा है आपके होटल के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा सीन हो गया है हमारा इसलिए इसको हंसी भी नहीं आ रही। वो मैं क्या बताऊँ आपको, छोड़ो, पर अगर आप टैक्सी वगैरह बुक कर रहे हैं तो फिर क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी है। आराम से पकड़ना, गिर जाते हैं ना। सो वी आर हैविंग क्रंची पापड़, दिखावे पापड़ अभी बर्गर खाया था क्योंकि थोड़ा सा घूम कर आए थे ना। तो सो डिसीजन तो ये आया कि पेडल वाली लेंगे, अति सुंदरम जिसे हम बोल सकते हैं। पूरे इस पे मसाले पापड़ ही पापड़ गिर गया। सो हमने लिए है पेडल कोट लेकर बैठ गए आराम से बैठ ले भाई।
अरे मैं कह रहा हूँ मोड़ ले, प्रेमी दोस्त है मेरे, हमारे राधा श्री आर्यन प्रसाद, राधा श्री अनुराग, स्पीड बोट का मोटर ऑन कर, स्पीड बोट का एक काम को चीट चीट को डाल दे, आप दोस्तों के साथ नैनीताल आओगे तो ऐसा ही होएगा जी। अब आप एक बार व्यू देखो चारों तरफ से, ये पत्ता की मुंडी पकड़ देता हूँ मैं। सो गाइज, आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी जो बीच में नैनीताल लेक में पानी पकड़ा होकर ब्लॉग कर रहा है। सो इस वीडियो को अगर यहाँ तक पसंद आई है तो लाइक कर देना, नहीं तो इन दोनों को पलटा दूंगा। पहले तो तू ही गिरेगा, हमने तू गिरेगा प्लस तेरी लाइफ जैकेट लग से खोल के फेंको। बताओ, ये नहीं कि लाइफ जैकेट पहना के फेंकेगा, लाइफ जैकेट अलग से फेंकेंगे तेरी दूर खुद से वो। ये कितना बड़ा है यार, यकीन नहीं हो रहा, मतलब आंखों को ऐसा व्यू डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, एंड वो टाइम वहाँ पहुँचते पहुँचते तक आ जाएगा। जब तक आप थक जाओगे फिर वापस हमें लाना पड़ेगा भाई। जब तक पानी को टच नहीं करेंगे तब तक कहाँ से फील आएगी यार। सेंट्रल वेट आया अब भाई, वापस नहीं जाएंगे, दो घंटे लगा देंगे। भाग जाओ, मैं गाड़ी रखता हूँ वहाँ पे, खींच लियो पीछे। इट्स वेरी 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 पीसफुल, क्योंकि चू चू की आवाज़ जो है वो सुनने में इतनी मधुर है कि एकदम दिल खुश हो गया। अगर आपको पूरी ट्रैवल सीरीज के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी लगे कि यार ये तो ऐसी थी, डम जोक था, ये था यार, प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि चलता रहता है। वीडियो को एंजॉय करो एंड लाइक कर दो यार वीडियो। जल्दी शेरे पंजाब से लंच खाने जाएगा तू, बोट खड़ी करके, बोट अपनी पार्क कर देते, बोट पार्क करके तो लंच खाने जाएगा, लंच कर कर आते फिर आ जाएंगे। क्या बोलेगा भैया को, भैया अपनी बोट खड़ी है, जल्दी जल्दी दो खाना खाना है। पास पास पड़ रहा था बोट से, इतना कौन पैदल आएगा, खा के निकलते। सोच हम आ रुके हैं, खाकर आए, पीछे पीछे आ गए वाटर कॉप्स। वाटर कॉप्स GTA 6 मैप रिवील्ड। लीव मी अलोन। I think this is the best position to lay in a boat in Nainital's jeep. Now take me to the Everest. मैं सच बताऊं तो इतना मजा आ रहा है, relaxed feel कर रहे हैं। मौज आ गई सच में। I am very satisfied with this trip. Are you guys also satisfied कि हम कैसे घूमने गए, कहाँ कहाँ घूमे? क्योंकि ये छोटा सा break था, बस मैंने आपको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करी है। अगर आपको इन लोगों की हरकतें ना पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ना पसंद आई हो तो लाइक करना, और पसंद आई हो तो पार्टी में चेंज कर लेना बाद में। बट द बेस्ट पार्ट फॉर टुडे वाज बोट, इसी को थंबनेल डालेंगे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है आज। दिस इज द मोस्ट रिलैक्स पोजिशन कि किसी ने यहाँ पर बोटिंग करी होगी, क्योंकि इतने हरकतबाज हम ही हैं। और हम कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। चुप, कैप्टन डॉग पे लेकर चलो बोट, क्रैश कर दो, अटैक कर दो, उस पे क्रैश कर दो सर, अटैक कर दो, डुबा दो। 5 डिग्री नॉर्थ अटैक। इसका मेमोरी कार्ड अपग्रेड करेंगे आगे जाके। पड़ जाओ अपन, ओए हैवी ड्राइवर हूं मैं, अच्छे नहीं चलाते बच्चे, क्या आते नहीं चलाते। और दो दो फीस खा जाएगी मुझे, 20 ठीक है, फीस खा जाएगी, फीस खा जाएगी। अब इसके बाद हमें ट्रैकिंग करनी है अपने होटल में। गाइस नहीं, हमारा होटल बहुत दूर है, होटल बहुत दूर है हमारा, मतलब तुम पंजाबी बाग से नारायणा तक आओगे ना वो भी चढ़ते हुए।
फुल इंक्लाइन, मतलब एक उसने 300 मीटर कहा था और हमने पता नहीं कैसे यकीन कर लिया, जैसे हमने 1200 का यकीन किया था। ओए हैप्पी ओके कितने मर गए हैप्पी एक करके देखना था एक बार चिल्ला के पूरी ओए पलटे थे ना सारे ओए हैप्पी जल्दी कर हमारे सिर्फ 5 मिनट बजे नहीं तो किराया डबल हो जाएगा इसका, नहीं तो कॉस्ट जोर से उम्मीद है बहुत ज्यादा उम्मीद है चलो होटल में जाने का तो पिछले ब्लॉग में देख ही लिया था क्या हालत हुई थी, अरे बोल देंगे हमें हवा दूसरे डायरेक्शन में लगी मारी फिर टेढ़ी गई। अरे तुम यहीं घूमे जा रहे हो हैं? एक ही जगह पे 3 बार बैक फॉरवर्ड मारी। So the boat ride was amazing. बढ़िया लगा, मजा आया। तो पता ही आपको कितना मजा आ गया। ले बैग पकड़, ये मेरे वाला ले ले। So पीछे मेरे हैं वो झील जहाँ पर हम बोटिंग कर रहे थे, लेकिन भूख लगी है इतनी ज़्यादा। अभी सामान लेने के लिए वो कहीं रुक गए हैं तो भैया क्योंकि 2 दिन से ना ऐसे प्रॉपर हैवी डाइट वाला खाना खा रहे थे, आज सोचा कि पिज़्ज़ा वगैरह खा लेंगे साथ में। चलते हैं, लेट्स वेट फॉर देम एंड ऊपर जाके देखते हैं, कह रहे ऊपर भी सीटिंग है। वर्थ इट तो हमेशा से है। खाते हैं नाउ पिज़्ज़ा, ऑर्डर करो। मैं खाऊंगा लोडेड वेज, लोडेड वेज इज बेस्ट आई थिंक। गोल्डन कौन दे रहा है? सो वी आर हैविंग आवर वेज पिज़्ज़ास। सो अभी रखते हैं कैमरा अंदर क्योंकि सब मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे सब हमें देख रहे हैं करके आ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पहले शोर में चल रहे होटल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में से खाते खाते जाएंगे, एंजॉय करते करते जाएंगे। ही विल हैव सॉफ्ट सॉफ्टी एंड सॉफ्ट सॉफ्ट बुढ़िया के बाद इट्स कॉल्ड कॉटन कैंडी। ओल्ड लेडीज हेयर खाएंगे, ओल्ड लेडीज पिंक हेयर एंड चॉकलेट सॉफ्टी। अरे यार सॉफ्टी और ओल्ड में तो क्या किया सही। सो लेट्स हैव सम फोटो सेशन क्योंकि फोटोजेनिक लोकेशन है तो फोटो शूट तो होगा एंड स्पेशली इसका। सच अ बीस्ट यार, सच अ बीस्ट, अमेजिंग कार। अभी ये जो हसीन वादियाँ हैं, खुला आसमान है, आपको लग रहा होगा टेम्परेचर होगा 8, 9, 10 जितना होगा, पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में एक गीला कपड़ा है, वॉज जस्ट क्लीनिंग माय लास्ट ग्लास। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कपड़ा फेरा, यू कैन सी कि आइस इकट्ठा होने शुरू हो गई। ये देखो ये लिटरली बर्फ है। ये देखो फोटोज आपको मिलेंगे, वो मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, दैट इज आई ध्रुव। सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि बहुत अमेजिंग फोटोज आती हैं, जैसे कि फोटोज मतलब अमेजिंग आती है। जाओ और वहां पर भी कनेक्ट हो, गो एंड फॉलो नाउ। Got a shit out of the gutter, did it for me and my brothers. Loving her with it.